हेलो, आप सभी का फिनेस्ट्रो साइकल्स में स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे किया जाए। तो आज का जो ये वीडियो है, हम इसमें ये सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है। मेरे लिंक में इसमें 1 मंथ का फ्री ट्रायल है, आप लोग यूज़ करना चाहते हैं जो लोग, और वो जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे यूज़ की जा सकती है। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली हिंदी में बना रहा हूँ ताकि सभी लोग इसको यूज़ कर सके, आसानी से यूज़ कर सके। हम सबसे पहले इस वीडियो को यूज़ करने के लिए आज हम लाइवली देखेंगे एक के बाद एक कि स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपको जाना है फ्री फ्री जो कोड है, हर सॉफ्टवेयर में एक एक स्टॉक है, उसका एक कोड होता है, उस कोड को डालना पड़ता है। इस सॉफ्टवेयर में याहू फाइनेंस से फ्री कोड मिलता है। तो सबसे पहले आपको याहू फाइनेंस में जाना है। याहू फाइनेंस में जाकर आप ये यहाँ पर हम आज सिर्फ निफ्टी के हैवी वेट्स की बात करेंगे। अभी जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके बाद जो है निफ्टी का हम नीचे से ले रहे हैं। ये ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, लार्सन, ITC, हिंदुस्तान लीवर और कोटक। अभी इसके आगे TCS से शुरू करते हैं। तो TCS का 5% वेटेज है निफ्टी में। TCS का कोड कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ ऊपर हम टाइप करेंगे TCS। जैसे ही हम TCS टाइप करेंगे तो यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड आ जाता है। NSE की इक्विटी है, कैश की इक्विटी है और TCS.NS, तो ये इसका कोड हो गया TCS.NS। अब हम वापस सॉफ्टवेयर में जाएंगे, F2 की प्रेस करेंगे और TCS.NS टाइप करके ओके कर देंगे। तो ये TCS.NS हो गया। अब इसी को अगर ये बाय डिफॉल्ट डेली टाइम फ्रेम में आता है, इसका टाइम फ्रेम अगर आपको चेंज करना है तो इसको डेली से आप यहाँ पर राइट क्लिक करके टाइम फ्रेम में जाइए। F11 जो है शॉर्टकट की है, और वीकली, मंथली और क्वार्टरली करके ओके कर दीजिए। तो ये वीकली चार्ट हो गया। इसके बाद हम ये चार पांच करके देखेंगे ताकि हमको प्रैक्टिस हो जाएगी। ICICI बैंक, फिर से याहू फाइनेंस में गए, ICICI बैंक टाइप किया, ये ICICI बैंक इक्विटी है। अभी यहाँ IBN पूरा क्लियर नहीं आ रहा है तो इसको पूरा क्लिक कर दीजिए। और ये न्यूयॉर्क का है, हमको इंडिया का चाहिए तो NSE के लिए ही ध्यान रखना है। तो ये कोट यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखा है, ये कोट है ICICIBank.NS। हम फिर से यहाँ गए सॉफ्टवेयर में, F2 प्रेस किया और वैसा का वैसा कैपिटल्स में ICICIBank.NS टाइप कर दिया। और अब यहाँ देखेंगे आप ICICIBank.NS टॉप टाइप किया तो ये डाटा डाउनलोड हो गया है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डेली होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है HDFC और उसका 6.5% वेटेज है। सो हमने यहाँ टाइप किया याहू फाइनेंस में जाके HDFC लिमिटेड, नॉट द बैंक, HDFC बैंक नहीं है, HDFC। तो यहाँ कोट ऊपर ही मिल गया हमको, HDFC.NS, और HDFC बैंक का कोट क्या है वो हम अभी इसके बाद देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो F2 अगेन अभी आपको पता चल रहा है, और NS HDFC.NS किया है, हाँ ओके कर दिया। ये डेली डेली टाइम फ्रेम में डाउनलोड हो गया। अभी यहाँ पर टाइम फ्रेम में गए और इसको वापस से वीकली कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं दो स्टेप एक साथ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कोड कैसे डालना और उस कोड को कन्वर्ट कैसे करना डेली से वीकली में। ज़्यादा लंबी साइकिल अगर आपको एनालिसिस करनी है तो हमेशा वीकली से ही शुरू करना चाहिए। अब जो HDFC बैंक का कोड है, HDFCBank.NS है, तो यहाँ फिर हमने F2 किया, HDFCBank.NS यहाँ टाइप किया और ओके कर दिया। ओके किया तो ये बाय डिफॉल्ट डेली चार्ट अगेन आ गया है फिर से। अभी इसको हम कन्वर्ट कर दीजिए डेली, मंथली और वीकली, सॉरी वीकली, मंथली और क्वार्टरली, और ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हाईएस्ट वेटेज आता है इंफोसिस, 8% है, और रिलायंस है। तो अब ये दो और ऐड कर लेते हैं हम, इन्फी। सो यह हमने टाइप किया इंफोसिस
लिमिटेड, यहाँ पर देख लीजिएगा राइट में एनक्यू है, बहुत सारी इक्विटीज न्यूयॉर्क में भी ट्रेड होती है, नैसडेक में एडीआर है उनके, सो ये जरूर देख लीजिएगा। सो इन्फी डॉट एन एस सब में आएगा। तो फिर से F2 किया, इन्फी किया और डॉट एन एस किया, ये ओके कर दिया, राइट क्लिक किया, अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, हो गया है, अभी हुआ है, और ये ओके किया। इसके बाद हमने इसको फिर से वीकली, मंथली, क्वार्टरली, और लास्ट और सबसे ज्यादा हैवी वेट है 10% वेटेज के साथ रिलायंस। सो रिलायंस का कोट मुझे याद है इसलिए मैं लिख देता हूँ, रिलायंस डॉट एन एस। सो रिलायंस डॉट एन एस, सो डॉट एन एस, एन एस इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सो NSI जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। तो ये ओके किया, ये रिलायंस का कोड भी यहाँ पे डाउनलोड हो गया, राइट क्लिक किया, टाइम फ्रेम इसको चेंज करके हमने वीकली कर लिया। सो ये एक स्टेप हो गई। अब आप देखिए यहाँ विंडोज में जाएंगे, अगर आप F1 करेंगे ना, या यहाँ पे ये जो है इससे आपकी लिस्ट आ जाती कि कितने स्टॉक्स हैं, से निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप जाके ये देख सकते हैं। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि अब ये तो स्टॉक का सिर्फ डाटा है, अब इस सॉफ्टवेयर में से कुछ कुछ चीजों को कैसे यूज करना है। तो हम सारा एनालिसिस, सारा जो कुछ है हम निफ्टी से ही सीखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो लेट्स गो टू द निफ्टी, ठीक है। अब ये हमारा निफ्टी का डाटा है, ये निफ्टी का वीकली डाटा है, यहाँ पर ऊपर लिखा आता है W मीन्स वीकली, M मीन्स मंथली और Q मीन्स क्वार्टरली। यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में एक इनकैप्सुलेशन का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि वीकली के अंदर आपको देखना है कि मंथली कैंडल या मंथली बार कैसा है। तो ये यहाँ पर आप जाएंगे इनकैप्सुलेशन, कंट्रोल एन, और यहाँ पे इसको अगर आपने क्लिक कर दिया तो ये सारी एक ये वीक है और ये महीना हो गया, ये एक महीना हो गया, ये महीना हो गया, और अगर इसके अगले वाले को भी आप अगर क्लिक कर देंगे तो वो साल दिखाएगा आपको, तो ये पूरा साल का दिखा रहा है, सॉरी साल नहीं, क्वार्टरली दिखाएगा, पूरे क्वार्टर का। सो इस तरीके से ये होता है। तो अभी इसको हम हटा देते हैं, अब हम सिंपल दो तीन चीजें ही यहाँ सीखेंगे, ज्यादा नहीं इसको लंबा करेंगे। सो बेसिक चीज है कि किसी भी इंडिकेटर को कैसे ऐड करना। सो एक सिंपल मूविंग एवरेज कैसे ऐड करते हैं, इंडिकेटर में गए, इंडिकेटर में जाके यहाँ सारी लिस्ट है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स है, लेकिन हमको एक सिंपल सा है इंडिकेटर, सिंपल मूविंग एवरेज। सो हमने एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया, और सिंपल मूविंग एवरेज ये लगाया, तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें 90 डेज का है, सो ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर जाकर आप अगर क्लिक करते हैं तो ये आपको इंडिकेटर का नाम भी दिखाता है, और इस इंडिकेटर को यहाँ पे आप जाकर राइट क्लिक करेंगे तो यू कैन चेंज इट, आप इसको बदल सकते हैं। तो से अभी इसको 90 डे के बजाय मुझे 20 डेज करना है सिंपल मूविंग एवरेज को, तो मैंने 20 डे किया, ये 20 डे हो गया। तो ये एक सिंपल तरीके से आप कैसे मूविंग एवरेज डालते हैं, ये यहाँ पर आ गया। और या आपको जैसे सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज बोलते हैं, मार्केट जो एक्सेप्ट करता है 200 दिन का, 200 डे मूविंग एवरेज फॉर एवरीथिंग, मैं पर्सनली नहीं यूज करता हूँ बट लोग करते हैं। सो ये 200 डे मूविंग एवरेज हमने डाल दिया। अब इसके बाद एक और इंडिकेटर डाल के हम देखते हैं कि जो मैं यूज करता हूँ वो है से फॉर एग्जाम्पल स्टोकैस्टिक्स। तो यहाँ पर आप जाइए नीचे देखिए स्टोकेस्टिक्स है, ये स्टोकेस्टिक्स है, और स्टोकेस्टिक्स को ये किया और ये एग्जिट कर दिया, तो ये स्टोकेस्टिक्स आ गया यहाँ पर। तो ये टेक्निकल इंडिकेटर कैसे यूज करना है ये यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं इंडिकेटर्स में जाके, ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट जो है वो आता है कि प्लेनेटरी लाइंस कैसे यूज करते हैं। सो आप यहाँ देखिए इंडिकेटर के पास में एक ऑप्शन है प्लैनेट्स, उस पर क्लिक करेंगे, उसके नीचे है फर्स्ट ऑप्शन ही प्लेनेटरी लाइंस है। सो प्लेनेटरी लाइंस में गए, और यहाँ सबकी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, सब अपनी अपनी स्टडी के हिसाब से उसको चेंज करते हैं, हर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर डिफरेंट तरीके से चीजों को देखता है। सो हम यहाँ पर मार्स लाइन ले लेते हैं, मार्स की लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे अनुभव में रही है, तो
सो मार्स की लाइन ली और ये मार्स लाइन 360 डिग्री की लाइन ली और एग्जिट कर दिया। सो ये जैसे ही आपने डाला, ये मार्स की प्राइस लाइन यहाँ पर आ गई, ये अपने आप आ गई। अब आप देखिए ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने 360 डिग्री डाला, आपको ये समझ में आएगा कि मार्स लाइन का इंपॉर्टेंस कैसे है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये यहाँ पर इसके साथ चल रहा है, मार्केट इस लाइन के बहुत पास पास चल रहा है, सेम यहाँ पर हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इसने जब जैसे ही मार्स लाइन तोड़ा तो ये ऑल द वे 7500 तक, 2500 पॉइंट निफ्टी टूटा। लेकिन जब ये मार्स लाइन पे स्ट्रगल करके वापस निकला तो देखिए कितना बड़ा रैली हुआ। फिर यहाँ देखिए, सो ये हर एस्ट्रोलॉजर का, हर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर का अपना खुद का रिसर्च होता है। तो मेरा रिसर्च करने का तरीका काफी अलग है, तो मैं अलग अलग पैरामीटर्स और वो देखता हूँ। बट अभी आपके लिए समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे मार्स प्राइस लाइन को यहाँ मैंने डाला है। तो ये मार्स प्राइस लाइन डाला है, और अब इसके अलावा आपको ये मार्स प्राइस लाइन हो गई है। एक और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि गैन फैन, गैन स्क्वायर, ये सब, तो ये सब इस सॉफ्टवेयर में है। आप राइट हैंड साइड पे देखिए, ये सब है यहाँ पर, गैन स्क्वायर ऑफ नाइन है, गैन फैन है। तो गैन फैन सपोज आपने यहाँ से ड्रॉ किया, और यहाँ पर एक मैग्नेट का ऑप्शन है, इसको अगर ऑन कर देते हैं आप, तो यहाँ पर जब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कैंडल पे लेके जाएंगे नीचे की तरफ तो नीचे से कर देगा, ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर से क्लिक करके और बना देगा। ये ऊपर किया तो यहाँ से इसने गैन फैन ड्रॉ कर दिया, और इसको हमने अभी एक बार को डिलीट कर देते हैं, फिर से इसको गैन फैन को यहाँ हम लो से लेते हैं, तो ये आपको दिखाता है कि गैन फैन कैसे ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि गैन जोन्स होते हैं, ये गैन डिवीजन है, ये कैसे यूज करते हैं। सो गैन डिवीजन के लिए आपको कोई भी हाई और लो ले लीजिए और वहां से आप उसको ड्रॉ कर दीजिए। सो यहां पर आपने क्लिक किया, क्लिक करके रखा लेफ्ट क्लिक, और उसको ड्रैग करके माउस को ऊपर तक लेके गए, और वहां पे जो जो कैंडल पे आपको जाना है वहां पे जाके छोड़ दीजिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट गैन के जोन्स हो गए, ये एंगल्स हैं, ये 360 डिग्री है, हर एंगल 45-45 डिग्री का ही है। टोटल आठ आठ भागों में इसको बांट दिया, 360 को हम आठ में डिवाइड करेंगे तो 45-45 डिग्री के सारे एंगल्स हो गए हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो ये एक और तरीका है। सो इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए ये बेसिक चीजें हैं, बाकी इसमें बहुत है, इतनी इंफॉर्मेशन है, आप क्या नहीं है इसमें। लेकिन आपको कैसे यूज करना है और आपको चाहिए तो ये हेल्प में गए आप, और गेटिंग स्टार्टेड है। यहाँ पर बहुत सारे इसके वीडियोस हैं, हेल्प वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं, बहुत कुछ है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ये दो इम्पॉर्टेंट चीजें थी जो काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इस सॉफ्टवेयर में पहले तो ये कैसे ऐड करते हैं, कोड कैसे ऐड करते हैं, और दूसरा प्लेनेटरी लाइंस कैसे यूज करते हैं, प्लेनेटरी लाइंस कैसे डालते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसी सॉफ्टवेयर में, एम्बेडेड है, फ्री है, वो है ये यहाँ पर यूनिवर्सल क्लॉक और लाइव प्लेनेटरी टाइम क्लॉक। अगर इसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लाइव ये प्लैनेट्स की पोजीशन मिल जाती है, ये सारी पोजीशंस लाइव है। एक और तरीका है, आप लास्ट डे पे जाके इसको राइट क्लिक करेंगे, शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्लैनेट्स की करंट पोजीशन, जियोकॉस्मिक और हेलियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक दोनों मिल जाती है। ये ओवरऑल इस सॉफ्टवेयर का बेसिक कैसे आपने सीखना है वो है इसमें। इसमें मैंने कोशिश की है कि बेसिक बेसिक जो लोगों को बार बार परेशानी आ रही है कि कोड कैसे ढूंढें, कैसे चेंज करें, कैसे हम ये क्या बोलते हैं, गैन लाइन डालें या प्लेनेटरी लाइन कैसे डालें, गैन फैन कैसे डालें, तो ये सब चीजें हैं। एक और लास्ट चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ कि यहाँ पर एक पेज ऑप्शन है, तो जिससे आप ये इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके सपोज आपको ये रोज के आपके एक चार्ट, एक रिसर्च के लिए लगते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पेज ऑप्शन पे गए और यहाँ पर एक राइट कहीं पर भी क्लिक करके सेव पेज एज करके आप देखिए, तो मैं यहाँ इसको नाम दे देता हूँ वीकली निफ्टी, वीकली हैवी वेट चार्ट्स।
और आप चाहे तो इसमें डेट भी डाल सकते हैं। सो जैसे आज मैं ये बना रहा हूं, तो निफ्टी हैवीवेट चार्ट्स 30th अक्टूबर 2021, आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर सकते हैं, और ओके कर दीजिए। अब जैसे मुझे क्या है, अगर इस सबको बंद करना है तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर ये अभी इसको एक बार बंद कर देते हैं। अभी सपोज आपके कोई एक पेज सेव किया हुआ है, उस पेज को वापस से खोलना है तो, और आपको चाहिए कि ये सारे पेज बंद हो जाए, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्लोज ऑल चार्ट्स एंड ओपन पेज। सो सपोज मेरा एक ये क्लीन पेज है जो कि मैं रखता हूँ हमेशा, ये क्लीन पेज है। सो क्लीन पेज है निफ्टी मंथली का, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो बाकी सारे चार्ट्स क्लोज हो गए, अभी सिर्फ एक एक चार्ट्स यहाँ पर रह गया है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको आपका कोई कमेंट्री करना है तो यहाँ टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपको जो लिखना है लिख दीजिए टेस्ट, और यहाँ पे ओके किया, और जहाँ आपको लिखना है आप क्लिक कर दीजिए, इसको जाके आपको राइट क्लिक कर लीजिए, फॉन्ट को जाइए, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। सो इसमें बहुत कुछ है, आपको थोड़ा सा टाइम इस पे स्पेंड करना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। हेल्प में जाइए, हेल्प में बहुत सारे वीडियोस हैं वो देखिए, और बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन भी है ट्यूटोरियल्स में हेल्प के अंदर, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने ये पेज को वापस बंद करना है, और मुझे वापस से वो जो हमने अभी पेज बनाया था वीकली निफ्टी हैवी वेट, अब यहां पर गया मैं और इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया। सो ये देखिए उसने वो पेज को बंद कर दिया है, उसमें सिर्फ एक ही चार्ट था, और अब इसने सारे ये वीकली चार्ट्स डाउनलोड कर रहा है, ओपन कर रहा है, डाउनलोड तो पहले ही हो चुके हैं। ये हो गया है। सो ये इस तरीके से इसमें आप काफी प्ले कर सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे इसमें एस्ट्रोलॉजिकल टूल्स हैं। मेरे नॉलेज में ये एक ओशियन है, ये एक ओशियन है जिसमें कि आप जहां गोता लगाएंगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा, लेकिन आपकी ट्रेडिंग के लिए एक सिस्टम चाहिए। आप अपना खुद पिक कीजिए क्या आपको लगता है, थोड़ा स्टडी कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, और फिर देखिए कि क्या आपको सूट करता है, उसके हिसाब से आप पिक कर लीजिए। ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए बनाया है, और ये वीडियो गैलेक्टिक ट्रेडर की वेबसाइट पे भी अपलोड होगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप सभी का थैंक यू, आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया है, एंजॉय कीजिए सॉफ्टवेयर को, फ्री 1 महीने का ट्रायल है। इसमें मेरा कोई मॉनिटरी गेन नहीं है, क्योंकि गैलेक्टिक ट्रेडर ने मेरे बहुत सारे एड ऑन्स बनाए हैं इस सॉफ्टवेयर में। मुझे, मैं ना तो इसको प्रमोट कर रहा हूँ ना इसको सेल कर रहा हूँ, बट ये सॉफ्टवेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सब कुछ है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप भी यूज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।